हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरतीसा। आरतीश किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी ऐसे तो बच्चे नहीं खाते, लेकिन ये सब्जी आज हम बनाएंगे। ये बच्चे मांग मांग कर खाएंगे, एक की जगह दो रोटी खा जाएंगे। आज ऐसे हम सब्जी बनाने वाले हैं, तो चलो हम इसे शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने एक लौकी ली है, इसे हम पहले छील लेंगे। लौकी को मैंने छील ली है, तब इसे हम काट लेंगे। बहुत पतली भी नहीं रखनी है और बहुत मोटी भी नहीं रखनी है। अगर आप हमारी लौकी बड़ी हो तो इसे बीच में से काट कर भी कट कर सकते हैं। हम लौकी के पलीता बनाएंगे। अब इसके अंदर हम सारे मसाले करेंगे। आधी टेबल स्पून हल्दी पाउडर, आधी टेबल स्पून नमक, एक टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। इसमें अब डालेंगे हम दो टेबल स्पून ऑयल और दो टेबल स्पून डालेंगे हम भुना हुआ चने का आटा। अब सारी चीजों को हमें हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर देनी है। अब सारे लौकी के ऊपर ये सारा मसाला कोट हो जाना चाहिए। एक नॉनस्टिक पैन हमने गैस पर रखा है, इसके ऊपर हम पलीता फ्राई करेंगे। पलीते सारे हमने नॉनस्टिक पर रख लिए हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। अब इसे हम खोल के देखेंगे, इसे पलट लेंगे। देखिए कैसा कलर चेंज हो गया है। सारे पलीते को हम ऐसे पलट कर दूसरी तरफ भी फ्राई करेंगे। सारे पलीते पलट लिए हैं, तब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और 5 मिनट तक इसे भी हम ढक कर पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, तो इसे भी हम खोल के देख लेंगे, अच्छे से पक गए हैं, तब हम इसे निकाल लेंगे। इसके अंदर हमने ऑयल डाला है। ऑयल गरम होते ही इसमें डालेंगे हम बारीक चॉप किया हुआ ऑनियन डाल देंगे। इसका कलर चेंज हो तब तक इसे पकाते रहना है। इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून नमक, इसे भी हम 5 मिनट तक ढक कर रखेंगे। ऑनियन का कलर चेंज हो गया है, तब इसमें हम डालेंगे टमाटर प्यूरी। हमें 6 टमाटर की प्यूरी बना ली है, ये इसमें डाल देंगे। अब इसे भी हम ऑयल छूटने लगे तब तक इसे पकाना है। ऑयल छूटने लगा है, तब इसमें हम सारे मसाले करेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधी टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। इससे हमारे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी लेंगे, इसको हम इसे मसाले का डाल देंगे। सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया है, तब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच दही डालेंगे। ये दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, डालने से हमारी सब्जी इतनी क्रीमी बनेगी। डालने के बाद इसको कंटिन्यू हिलाते रहना है, नहीं तो हमारा दही फट जाएगा। अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। ये लौकी की सब्जी पनीर की सब्जी जैसी ही बनेगी। देखो दही मिक्स होने के बाद तुरंत ही ऑयल छूटने लगा है। आधी टेबल स्पून गर्म मसाला डालेंगे। अब जो पलीता बनाया था ये इसमें डाल देंगे। हल्के हाथों से मिक्स करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। ऑनियन को ऐसे टुकड़ों में काट लिया है, वो डाल देंगे। कैप्सिकम को भी ऐसे ही काट लिया है, स्क्वायर शेप में कटिंग किया है। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढक कर 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो गए तो हम इसे खोल के देख लेंगे। इतनी अच्छी तरह ऑयल ऊपर आ गया है, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। पनीर की सब्जी जैसी दिख रही है, और ये खाएंगे तो आप पनीर की सब्जी भी भूल जाएंगे। हमारी सब्जी तैयार हो गई है, तो हम गैस को कर देंगे बंद।